देर रात पलवल के बस अड्डे पर चलती गाड़ी से मांस से भरा बॉक्स फेंकने पर गोरक्षक भड़क उठे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मांस को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब है कि एक और जहां गोरक्षकों पर दर्ज मामले को लेकर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आमने सामने है, वहीं देर रात पलवल के बस अड्डे पर एक गाड़ी से फेंके गए मांस के टुकड़े से भरा बॉक्स को लेकर गोरक्षक इकट्ठा हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोरक्षक प्रवीण और भीम भारद्वाज ने बताया कि मांस से भरी एक गाड़ी हाईवे पर तेज गति से जा रही थी, जिसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी पर सवार लोगों द्वारा ही ये मांस से भरा बॉक्स फेंका गया। गोरक्षकों ने ये मांस गोवंश का होने का शक जाहिर किया है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस टीम से हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वह यहां पहुंचे हैं, मांस को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके सैंपल की जांच कराने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। अभी समय करीबन 11:15 जी, क्या है मामला? अभी हमारे पास एक बस स्टैंड पे कोई चलता हुआ ट्रक, जिसके पीछे SHO साहब की गाड़ी लगी हुई थी और चलते ट्रक में से एक पेटी फेंकी गई थी, जो पेटी में गौ मांस की आशंका है। इसमें गौ मांस भरा हुआ, अभी मतलब पक्का नहीं है पर आशंका हमको है कि ये गौ मांस है, जिसको देखकर जीप वगैरह इसमें पड़ी हुई तो वो गौ मांस की ही है, अभी पक्का क्लियर नहीं हुआ। तो आपने कहाँ शिकायत दी? हमने 112 पर परवीन भाई ने हमें बीटी मारी थी, तो बस स्टैंड चौकी से और ये आसपास की जो चौकी है यहाँ पर जो आग है। ये जी हमें सूचना मिली थी एक भाई की तरफ से, एक गाड़ी आई थी बड़ी वाली और 112 गाड़ी उसके पीछे लग रही थी, वो उनकी स्पीड के चक्कर में वो मास्क को यहाँ फेंके थे और जब 112 हमने बीटी बुलाई वो ये कह रही थी हमसे इसको करो और फेंको इसको, हमें फिर दोबारा बीटी बुलाई हमने 112। किस समय आपने 112 पे? अभी 15-20 मिनट हुए हैं जी। अभी क्या समय क्या है? अभी 11:10 हो रहे हैं। अभी कैंप थाना पुलिस से आई हुई टीम, उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं फिलहाल सैंपल लेकर आपको वो दे देंगे रिपोर्ट। मास्क वगैरह दिखाया इन्होंने जी पर। जी इसके लिए डॉक्टर साहब फोन में आ रहे हैं, जैसे फोन मिल जाएगा इसमें सैंपल देंगे और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे। क्या कहना है इनका, क्या है मामला? अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ना तो कोई गाड़ी नंबर बता रहे हैं, ना कोई आदमी बता रहे हैं, कोई सीधी तौर पता नहीं लगा। कोई CCTV फुटेज है आसपास? अभी कुछ पता नहीं लगा, सूचना भी देख रहे हैं आसपास, जैसे कोई सूचना और तसल्ली से। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब सैंपल कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर साहब को सूचना कर रहे हैं फोन से, जैसे फोन मिल जाएगा बुला के सैंपल दिलाएंगे। किस थाने क्षेत्र का मामला है ये? कैंप थाने के लगेगा।